एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मिस्टर के वॉइस। तो लास्ट में मैं आईडी चेक कर रहा था और जस्ट मैं एक भाई की आईडी चेक करा एंड यहाँ पे हल्क को दिया गया कार्नेज का आर्टिफैक्ट। इस सब क्या देखना पड़ रहा है? वाह भाई वाह वाह, कार्नेज का आर्टिफैक्ट हल्क को दिया गया है और कार्नेज ऐसा ही फ्री घूमता रहेगा। मतलब भाई ये है पीवीपी का आर्टिफैक्ट और यहाँ पे बता दूँ पीवीपी का जो आर्टिफैक्ट रहता है वो पीवीपी में डाल दूंगा तो भाई और अच्छा काम करेगा, जैसे वुल्वरिन का। अब वुल्वरिन टीयर 4 हो तो वुल्वरिन के आर्टिफैक्ट के लिए कितने लोग पागल हो गए थे, कितने लोग भाई वुल्वरिन के ऊपर वीडियो बनाए। मैं भी वीडियो बनाया और मैं भी वुल्वरिन के आर्टिफैक्ट के पीछे पड़ा हूँ अभी भी, मुझे वुल्वरिन का आर्टिफैक्ट चाहिए। लेकिन भाई जिनके पास है साधन उनको देना नहीं है उन कैरेक्टर को। देखो अब मैं एकदम सिंपल सी बात समझा दूँ, पीवीपी कैरेक्टर के जो आर्टिफैक्ट रहते हैं, आपको अगर आपके पास कैरेक्टर नहीं, जैसे इन भाई के पास, देखो इन भाई के पास शायद से वुल्वरिन का कैरेक्टर है नहीं। क्या बोला तूने? तो भाई आप क्या करोगे, ये आर्टिफैक्ट क्या करोगे, किसी को भी लगा दूंगा? नहीं, ये आप क्या करोगे, इसको लॉक कर दो ये आर्टिफैक्ट को। जैसे मैंने अपनी इन्वेंट्री में लॉक किया, अगर आपके पास ऐसे कोई दूसरे कैरेक्टर का आर्टिफैक्ट नहीं, लाइक वुल्वरिन, एडम मुल्लॉक और भी बहुत सारे कैरेक्टर है पीवीपी के, ऐसे लॉक कर दो। ओके हाँ, अगर आप गलती से किसी कैरेक्टर को, जैसे आप अभी कार्नेज का आर्टिफैक्ट हल्को होती हो ना, तो आप उसको हटा सकते हो, उस आर्टिफैक्ट को ऐसे अनइक्विप कर सकते हो 600 क्रिस्टल में। लेकिन उनको अभी यहाँ पे डिस्काउंट भी आता है, यस 600 क्रिस्टल से आपको 50% डिस्काउंट होगा, तो 300 क्रिस्टल में आप अपना आर्टिफैक्ट हटा देना जब डिस्काउंट आएगा तब। अब वो एक महीने में आता है या दो महीने में आर्टिफैक्ट अनइक्विप करके डिस्काउंट आता है तो वो। और यहाँ बता दूँ जो पीवीपी कैरेक्टर्स के आर्टिफैक्ट रहते हैं, ओके पीवीपी कैरेक्टर्स के आर्टिफैक्ट जो रहते हैं भाई, उसको किसी भी एडे गए कैरेक्टर को देने का नहीं। और मैं पहले बारी से, आप देखो ये वाली वीडियो देखो और तारीख देखो मैंने क्या बोल रहा है इसके अंदर। हालांकि आपको दे देना है जिस भी कैरेक्टर का, उसको जिस भी कैरेक्टर का आता है भाई उसको जाकर सिंपली से दे दो, है ना। मैंने जैसे देख सकते जो भी कैरेक्टर का भाई उसको दिया है, जो भी कैरेक्टर भाई मैंने उसको आर्टिफैक्ट दिया, देखो तो संचिव आर्टिफैक्ट भी मेरे पास है। तो सुने ये मैंने क्या बोला था कि जिस कैरेक्टर का आर्टिफैक्ट है भाई उसी कैरेक्टर को दे दो चुपचाप, दूसरे कैरेक्टर को देने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसी वीडियो में बोल देता था, आप समझ गए, ये बहुत पहले की वीडियो है, आप तारीख तो खुद देखोगे भाई कितने पहले की वीडियो है, भाई 3-4 महीना पहले शायद वीडियो है। एंड यहाँ देखो कार्नेज का आर्टिफैक्ट भाई कार्नेज को देना, क्योंकि ये पीवीपी का आर्टिफैक्ट है, पीवीपी के मतलब टाइम में बैटल अदर वर्ल्ड बैटल में काम आएगा। दूसरा एडम वुडलॉक हेला का आर्टिफैक्ट भी देखो, हेला को भी हेला को ही आर्टिफैक्ट देने का, वुल्वरिन का आर्टिफैक्ट भी वुल्वरिन को। या बोलो तो एकदम आसान की भाषा में जो भी कैरेक्टर है, जितने भी कैरेक्टर गेम में हैं उनका आर्टिफैक्ट उन्हीं कैरेक्टर को देने का। एग्जांपल के देखो मैंने किसी को दिया होगा आर्टिफैक्ट, किसको दिया था, ओके कार्नेज का आर्टिफैक्ट कार्नेज को दिया मैंने ऑफकोर्स, क्योंकि मुझे पता था भाई जिसका आर्टिफैक्ट है उसको। देखो शेरोन रॉजर्स का, शेरोन रॉजर्स का आर्टिफैक्ट है, लूनास को, लूनासना का आर्टिफैक्ट है, और किसका आर्टिफैक्ट देखो साइप्लॉक को, साइप्लॉक का आर्टिफैक्ट लगाया हूँ, और किसी को गलत आर्टिफैक्ट तो नहीं लगा दिया ना मैं भी देखते। ओके देखो गमूडा का आर्टिफैक्ट गमूडा के पास ही है, सेफ है, मतलब भाई जिस कैरेक्टर को उसको दे देने का। फिर हाँ दूसरा आर्टिफैक्ट मिलता है तो भाई लगाओ ना, ये बड़ी अच्छी बात कही आप ना, दूसरा आर्टिफैक्ट मिलता है, सेम आर्टिफैक्ट दूसरा मिलता है एक कैरेक्टर का, लाइक कार्नेज का आर्टिफैक्ट अगर आपको एक मिला है तो उसको बचाओ, या फिर कार्नेज के ऊपर लगा दो। अब दूसरा आर्टिफैक्ट कार्नेज का मिलेगा तो उस हिसाब से लगा देने का जिस हिसाब से आपको समझ में आता है भाई। आर्टिफैक्ट लगाने का सिंपल तरीका है भाई, यहाँ पे आपको देखो क्या लिखा है, दिखाता हूँ रुको, ये देखो जस्टिस क्रूल्टी ऑर्डर डेस्टिनेशन। अब ये चार टाइप के आर्टिफैक्ट आता है, सिर्फ और सिर्फ चार टाइप के आर्टिफैक्ट रहते हैं। और इसमें से देखो यहाँ पे अब देखो ऑर्डर लिखा है, तो इसको सिंपली से नॉर्मल वाला, जैसे नॉर्मली आर्टिफैक्ट रहते हैं ऑर्डर का आर्टिफैक्ट, चुपचाप सेट कर दो ख़त्म। ओके अब यहाँ बात, ओके जस्टिस देखो जस्टिस यहाँ लिखा है, मैंने जस्टिस का आर्टिफैक्ट लगाया है, या अगर आपके पास कैरेक्टर का आर्टिफैक्ट नहीं है तो नॉर्मल आर्टिफैक्ट भी लगा सकते हो, 2-star, 3-star, या 1-star। ओके न्यू प्लेयर्स को भाई बहुत कन्फ्यूजन हो रही है इसलिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। मैं भाई सिर्फ चार टाइप के आर्टिफैक्ट हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान दे लो, ऑर्डर है, जस्टिस है, क्रूल्टी है और डेस्टिनेशन है बस। और यहाँ लिखा रहता है साफ साफ, यहाँ लिखा रहता है देखो साफ साफ लिखा रहता है आर्टिफैक्ट में, जाओ साफ साफ लिखा है यहाँ पे कि कौन सा कैरेक्टर किस आर्टिफैक्ट के लिए। देखें सुधार लिया मैं अपनी गलती, डेस्टिनेशन हो गया तो यस समझ गए, और ये ऑर्डर सही है। तो ऐसे ही आप अपने कैरेक्टर के आर्टिफैक्ट, और कैरेक्टर वाला जो आर्टिफैक्ट है भाई उसी कैरेक्टर को पहले दे दो, फिर हाँ कैरेक्टर का आर्टिफैक्ट अगर आपके पास ज़्यादा बच रहा है तो फिर उसको दे सकते हो। और पीवीपी कैरेक्टर्स के आर्टिफैक्ट उनको ही देना जिनके लिए वो है। पीवीपी कैरेक्टर्स अभी एक दो कैरेक्टर के नाम लूँ तो ऑफकोर्स पहले तो भाई कार्नेज ही आएगा इसका आर्टिफैक्ट, भाई उसको ही देने का, कार्नेज को, हेला का आर्टिफैक्ट हेला को,
और ओके वुल्वरिन का आर्टिफैक्ट वुल्वरिन को देने का, एडम वॉरलॉक का एडम वॉरलॉक को देने का, और भी तीन चार भाई बहुत कैरेक्टर है जो पीवी में काम आते हैं, तो उनका आर्टिफैक्ट भाई उनका आर्टिफैक्ट सिर्फ उन्हीं को देने का, किसी और कैरेक्टर को देने का नहीं। यह सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले बता दिया, जिस सब कैरेक्टर का आर्टिफैक्ट जो है भाई उसी कैरेक्टर को दो, और जो आपके पास आर्टिफैक्ट नहीं है तो नॉर्मल आर्टिफैक्ट लगा के काम चलाओ, उससे भी काम होगा थोड़ा बहुत। ओके तो आज के लिए इतने, मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब और थैंक्स, लव यू।